भारत और इंग्लैंड के बीच साउथहैम्पटन में खेले जा रहे चौथे टेस्ट में एक बार फिर इंग्लैंड का चौथा रन लड़खड़ा गया। दोनों ओपनर विफल रहे। कीटन जेनिंग्स तो जल्दी आउट हो गए, लेकिन दिक्कत एलिस्टर कुक को लेकर ज्यादा है। वो 50 से ज्यादा खेलने के बाद एक गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेलकर आउट हो गए। बहरहाल ओपनर ही क्यों, इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज केविन पीटरसन ने इंग्लैंड की पूरी बैटिंग लाइनअप को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने पूछा है कि बल्लेबाजों को कोचिंग कौन देता है। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। इस रिपोर्ट में संजय मांजरेकर ने भी कहा था कि मैच बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होगी। इस बैटिंग फ्रेंडली विकेट पर भी मेजबान बिखर गए। सैम करन के 78 और मोइन अली के 44 रनों की बदौलत पहली पारी में 246 रन बनाए। बहरहाल इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर के रहने के बाद केविन पीटरसन ने एक ट्वीट में कहा कि इंग्लैंड के टेस्ट बल्लेबाजों को कोचिंग कौन देता है, उनकी टीम में ऐसा कौन है जो बेहतर बल्लेबाजी के लिए प्रेरणा दे सके। बता दें कि इंग्लैंड की बैटिंग को जो पूर्व टेस्ट बल्लेबाज मार्क राम प्रकाश है, कहा जा सकता है कि पीटरसन की नाराजगी की वजह राम प्रकाश ही है। इंग्लैंड की शुरुआती 4 विकेट सिर्फ 36 रन पर ही गिर गए। जेनिंग्स को बुमराह की लाइन का अंदाजा ही नहीं लग पाया। यही कप्तान जो रूट के साथ हुआ, क्योंकि शार के सामने काफी दबाव में थे। जैसे ही कोहली ने पांड्या को लगाया तो कुक ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की और ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाती गेंद पर बल्ला लगा रखे। तीसरी स्लिप में कोहली ने उनका गजब का कैच पकड़ा। नेक्स्ट स्पाइन स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।